50 डिग्री गर्मी के बाद एयर कंडीशनर काम करना बंद कर देते हैं। 52 डिग्री तापमान होने के बाद चिड़िया मर जाती हैं। 55 डिग्री तापमान होने पर इंसान का खून उबल जाता है और इंसान मर जाता है। सारी दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही है। जंगलों को काटना इसकी सबसे बड़ी वजह है। आप सरकार चुनते हैं ताकि सरकार जंगलों को काटने वाले लोगों पर रोक लगाए, लेकिन अगर सरकार ही जंगल कटवाए तो तापमान को 55 डिग्री होने से कौन रोक सकता है? हो सकता है तापमान आपकी ज़िंदगी में इतना न बढ़े कि आपका खून उबल जाए और आप मर जाएं, लेकिन ऐसा आपके बच्चों के साथ ज़रूर होगा। लिख लीजिए, मोदी जी मुसलमानों को डरा कर रखते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन मोदी जी आपके बच्चों को खून उबलवा कर मरवा देंगे, तब मुसलमानों के डरे होने से भी आपके बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो मर जाएगा। अगर आप बच्चों के जिंदा रहने लायक धरती रखना चाहते हैं तो मुझे आपसे कुछ कहना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी के सबसे पक्के दोस्त हैं पूंजीपति। यह पूंजीपति मोदी जी को चुनाव में पैसा और अपना जहाज देते हैं। बदले में मोदी जी पूंजीपतियों को आदिवासी इलाकों में जमीनें देते हैं। आदिवासी इलाकों को भारत के शरीर का फेफड़ा कह लीजिए आप। ये इलाके इतनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं कि आप उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऑक्सीजन की कीमत का अंदाज़ा तो पूंजीपति को भी होना चाहिए। अगर कोई अडानी की नाक और मुंह सिर्फ एक मिनट के लिए दबा कर रखे तो अपनी नाक मुंह छोड़कर बस एक बार सांस लेने के लिए अडानी कितने पैसे दे सकते हैं? आप ठीक सोच रहे हैं, अडानी एक सांस के लिए अपनी अरबों रुपए की दौलत दे सकते हैं। अगर एक सांस की कीमत इतनी ज़्यादा है तो आपके आने वाले करोड़ों बच्चों की सांस की कीमत कितनी होगी? रहने दीजिए, हिसाब मत लगाइए, क्योंकि इसका हिसाब लगाने की पढ़ाई आपको नहीं सिखाई गई है। तो पूंजीपतियों को मोदी जी ने आदिवासी इलाकों में जो खदानें, जंगल और ज़मीनें सौंपी है उस पर करोड़ों पेड़ लगे हुए हैं। पूंजीपति उन खनिजों को खोदकर विदेशों को भेजेंगे। आदिवासी जानते हैं कि जंगल दोबारा नहीं लगाया जा सकता, तो पैसा कमाएगा पूंजीपति और मरेगा आपका बच्चा। जहां खनिज खोदा जाता है वहां का पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है। खनिज लाने वाले और खुदाई के लिए विस्फोट से जो धूल उड़ती है उससे लोगों को अस्थमा, टीबी और सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। खदान से उठने वाली लोहे की धूल फसलों पर जम जाती है, खेती करना नामुमकिन हो जाता है। खनिजों को ट्रकों में लादने से पहले धोया जाता है, उससे नदी बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों की किसी को परवाह नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके बच्चों की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने उन्हें जेल में डाल दिया है। मोदी जी कहते हैं ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। सच ही कहते हैं मोदी जी। अगर जंगल काटना बंद हो जाएगा तो मोदी जी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे कौन देगा? और अगर चुनाव के लिए पैसा ना मिले तो नेता तो मर ही जाएगा ना। सुधा भारद्वाज, सोनी सोरी और अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें जंगलों की कटाई और आदिवासियों की जमीन न छीनने के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। बहुतों को गोली से उड़ा दिया गया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षित जंगलों को किसी भी दूसरे इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जा सकता, लेकिन सरकार और पूंजीपति सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानते। आदिवासी सुप्रीम कोर्ट की बात मानने की जिद करता है, इसके लिए आदिवासी आंदोलन करते हैं। आदिवासी तो देश जंगल बचाने की बात कर रहे हैं, और अगर कोई सही बात कह रहा है तो कोई यह बिल्कुल नहीं कह सकता कि यह लोग नक्सलियों के समर्थक हैं। इसलिए हम संविधान और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। मोदी जी से संविधान और सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए हर नागरिक कह सकता है। तो आपके बच्चों की जिंदगी बचाने की लड़ाई आदिवासी लड़ रहे हैं और आप आदिवासियों को अपने विकास का दुश्मन, अमीरी में रुकावट और अय्याशी भरी जिंदगी का रोड़ा समझ रहे हैं, और जो आपके बच्चों की मौत की तैयारी कर रहा है उसे आप अपना सबसे बड़ा खैरख्वाह समझे हुए हैं। इसे ही शास्त्रों में कहा गया है, जिसकी बुद्धि मोहयुक्त हो जाती है उसके तबाही को विधाता भी नहीं रोक सकते। इसी तरह सच्चाई से कदम मिलाकर चलने के लिए देखते रहिए NIA।